नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनीश मिश्रा, मैं आप लोग को परसेंटेज पढ़ा रहा था। दोस्तों मैं दो तीन दिन से वीडियो आप लोग को नहीं बना पाया और मैं किसी कारण नहीं आ पाया था वीडियो बनाने में, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। पहला सवाल मैंने आप लोग को लिखा हुआ है और ये सवाल ऐसा है कि कोई कंपनी ने एक MBA उत्तीर्ण छात्र को इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे प्रति माह 2700 रुपये वेतन दिया जाएगा, उसके बाद ये आ गया कुल बिक्री का 6.4% कमीशन के रूप में भी उसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब नहीं समझ पाए, मैं एक ओरली समझाता हूँ आपको। सपोर्टेड मैं कहीं पर जॉब करने गया और वहाँ पर मेरी जॉब और बॉस के बीच मेरी बातचीत हुई और ये तय हुआ कि मुझे 1000 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी। ठीक है, 1000 रुपये महीने की फिक्स सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपके काम के ऊपर है कि आप काम कर रहे हो और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट सेल कराओगे तो प्रोडक्ट सेल कराने पर 2% आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। ये क्या है, कमीशन है कि आप मेरा, जैसे मान लीजिए आप ये घड़ी है, घड़ी का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, घड़ी सेल कराओगे तो इस घड़ी पर अगर 100 रुपये की घड़ी है तो 2 रुपये आपको मिलेंगे, 98 रुपये बॉस को चला जाएगा। ठीक है, ये कमीशन होता है। तो 1000 रुपये आपका फिक्स, मान लेते मैंने ऐसी घड़ी मैंने पूरे मंथली में 100 घड़ी मैंने सेल करा दिया, इसका मतलब कि मुझे जो मुझे वेतन मिलेगा 1000 रुपये तो मिलेगा, 100 सेल जो कराया है वॉच की उसका भी अमाउंट यहाँ पर काउंट हो जाएगा। मतलब 100 का मतलब 200 रुपये और अमाउंट यहाँ पे काउंट कर दोगे तो 1000+200 मतलब 1200 रुपये हमें प्राप्त हो। जो हमें 1200 रुपये प्राप्त हुआ है, मुझे पता है कि अमाउंट प्लस कमीशन है, अमाउंट प्लस कमीशन, बस ये याद रखो। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो कोई छात्र जो MBA किया हुआ है, उस छात्र को नौकरी चाहिए थी और उसे नौकरी मिल गया है, उसको 2700 रुपये वेतन दिया जाएगा। उसके बाद कुल बिक्री का 6. अब देखो यहाँ पे वेतन लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वेतन उसे कितना दिया गया है, 2700 रुपये दिया, याद रखिएगा। ठीक है, वेतन और कमीशन परसेंटेज कितना दिया गया, 6.4% दिया गया है। कितना, इसको आप लिखोगे 24/4%। कैसे आया तो 4, 6 जा कितना होगा, 24 में 1 ऐड करोगे 25/4% होगा। ठीक है, 25/4% हो जाएगा। ये क्या कमीशन परसेंटेज है, इतना कमीशन परसेंटेज आपको मिलता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर कमीशन परसेंटेज लिख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यदि इस शर्त के अनुसार उसे टोटल कितना मिल रहा है, 18,325 रुपये, याद आएंगे ये जो 12,000 रुपये हमको मिला था, 12,000 रुपये वही 18,325 रुपये मिला है इसको सैलरी। मतलब इसमें आपका क्या है, इसमें आपका वेतन भी है और कमीशन भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, वेतन भी है कमीशन भी है। 18,325 रुपये जब महीना पूरा होता है तो उस बंदे को इतने रुपए मिलते हैं, 18,325। ठीक है, इस 18,325 में दोस्तों 2700 रुपये क्या है, वेतन, 2700 रुपये वेतन है। अगर 18,325 में 2700 माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा, कमीशन आ जाएगा। ठीक है, 18,325 में 2700 हम माइनस कर दें तो यहाँ पे 25, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 15,625 रुपये कमीशन आ गया दोस्तों। ये आपका वेतन हो गया, ये कमीशन हो गया, दोनों को इंक्लूड करोगे तभी आपका अमाउंट आएगा जो हमें सैलरी मिली है। तो इनको कितना मिली लिखा हुआ है, यदि ये शर्त के अनुसार वो 18,325 रुपये किसी महीने से प्राप्त किया होता किया तो ठीक है, ये आप प्राप्त किया, ये वेतन आ गया, ये कमीशन आ गया। ठीक है, तो उसके द्वारा निकाली गई बिक्री कितनी होगी, ठीक है, ये याद करना है। अब देखिए मेरे अनुसार कमीशन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार 25/4% दिया हुआ है और हमने क्वेश्चन में जो आंसर निकाला है कमीशन, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, 15,625 रुपये के बराबर हो जाएगा। देखिएगा ये भी कमीशन है, ये भी कमीशन है, दोनों कमीशन बराबर हो जाएंगे। मतलब इसकी वैल्यू इनके बराबर, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1% की वैल्यू 15,625/4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात सही है। उसके बाद हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 100% बराबर 15,625 × 4/25 × 100। ठीक है, इससे काटोगे कितना आएगा,
चार आएगा, ठीक है। अब जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों की दोस्तों आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 16 = 15625 × 16, ठीक है। तो करते हैं भाई, यहाँ पर देखिएगा देखिएगा 15625 और 16 को 6 × 5 = 33 6 × 2 = 12 15 1 × 37 3 × 6 = 33 33 और 3 × 6 = 9, ठीक है। उसके बाद 5 2 6 5 1, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर, 0 आएगा, 0 आएगा यहाँ पर, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, और यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15 आएगा 2, मतलब 250,000 आपको यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा, 250,000 आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। ये आपका था इस क्वेश्चन का आंसर, इसको आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है। ये याद रखिएगा, जो आपका टोटल अमाउंट होता है उसमें बेहतर और कमीशन, इस दिन के सवाल में जब टोटल अमाउंट दिया होगा तो उसमें बेहतर और कमीशन दोनों ऐड होगा। अब यहाँ पर बेहतर दिया हुआ है, कमीशन निकालना है, कमीशन निकाल लिया मैंने, ठीक है। और हमारे हिसाब से कमीशन 15625 आया है, क्वेश्चन के हिसाब से 25/4% है, दोनों को वैल्यू बराबर कर दोगे निकाल जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सामने आपके लिखा हुआ है, चलिए एक बार पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को। किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 12% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। मतलब उत्तीर्ण का मतलब आप लोगों को पता है पास होना होता है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होना होता है, मतलब कि आपके गणित में जो छात्र थे 47% पास हो गए हैं, विज्ञान में जो छात्र थे वो 42% पास हुए हैं, और दोनों दोनों विषयों में मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 12% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। चलिए करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम, क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या है, गणित है दोस्तों, ये आपका क्या है, विज्ञान है। चलिए ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं पास होने वाले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पास होने वाले की दोस्तों, ठीक है। और ये आपका मैथ है, ये आपका विज्ञान है, देखिएगा 47% गणित में, अब 47 ध्यान सुनिएगा, 47% गणित में है तो ये गणित जो पूरा आप बनाए हो पूरा, ठीक है, इस पूरे को इस ये पूरा आपका 47% है, ओके, ये पूरा आपका 47% है, ठीक है। और 42% आपका क्या है, विज्ञान में, तो जो 42% बच्चे पास हुए विज्ञान में दोस्तों, तो क्या है ये पूरा है 42%, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा है, आप समझिएगा मेरी बात को, ये पूरा है, ठीक है, 47% इतना पूरा, 42% इतना पूरा है, पास हुए हैं, ठीक है, पास हुए हैं। अब 12% मतलब ये है, ठीक है, 12% क्या है, ये है 12%। अब देखिएगा दोस्तों, 12% जो छात्र हैं दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो 12% ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप मतलब इस 47 में भी 12% इंक्लूड है, इस 42 में भी 12% इंक्लूड है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गणित में पास होने वाले छात्रों की संख्या बराबर 47%, अगर मैं केवल गणित में बात करूं, केवल मैथ में पास होने वाले बच्चे कितने जाएंगे, 47 - 12 कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 47 में से 12 निकालोगे तो 35 हो जाएगा, 35 क्या है दोस्तों, देख दिखाते हैं आपको, 35 ये है, देखिएगा जो तीसरी लाइन बना रहे हैं, ये आपका जो तीसरी लाइन है, इतना इतना ये 35% है, ओके। ये वाला जो गैप देख रहे हो, ये अंदर वाला जो ओवरलैप कर रहा है इसके नहीं, ये आपका क्या है, 35% है, ठीक है दोस्तों, यहां तक, ठीक है। इसी प्रकार केवल विज्ञान में, केवल सर फिजिक्स मतलब साइंस में, ठीक है, पास होने वाले बच्चों की संख्या केवल, तो 42 - 12 कितना आ जाएगा, 30% आएगा, कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। तो दोस्तों ये 30% क्या है, तो आप बोलोगे जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही 30%, ये वाला जो ग्राफ देख रहे हो, ये आपका 30% है,
30% है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका मैं बना रहा हूँ अलग से बना रहा हूँ तो आपको नजर आएगा। ये देखिए ये आपका कितना है, तो बोलोगे ये 35% है, ओके ठीक है। और ये आपका कितना है, तो बोलोगे ये कितना है, 30% है, ठीक है। ये भी ये क्या है, गणित के पास होने वाले विद्यार्थी हैं, ये क्या है, विज्ञान के पास होने वाले विद्यार्थी हैं। तो कुल पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, कुल, तो बोलोगे 35% प्लस का ये 12% भी यहाँ पे आएगा, 12% प्लस का यहाँ पर 30% है, कुल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, अलग चित्र बनाए हुए, ये 35% प्लस 12% प्लस 30% कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो बोलोगे यहाँ पर 77% आ जाएगा। जोड़ो 35 और 30 65%, 65 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा, 77% क्या आ जाएंगे, पास। ये पास होने वाले बच्चे हैं, कुल सब्जेक्ट में मतलब कुल बच्चे पास कितने परसेंट हुए, 77। तो फेल कितने हुए होंगे दोस्तों, फेल कितने हुए होंगे, तो 100 में 77 माइनस करोगे तो 23 आ जाएगा, 23% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए हैं। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है किसके बराबर, 276 के बराबर दिया हुआ है, तो 1% की वैल्यू बराबर किसके बराबर हो जाएगी, 276/23 के बराबर हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, छात्रों की कुल संख्या चाहिए, 100% वैल्यू चाहिए, 100% बराबर 276/23 मल्टीप्लाई 100 कार्रवाई, 23 1 जा 23 यहाँ पे बचेगा कितना, 4 और 6 46, 23 2 जा 46 मतलब 23 2 46 ठीक है, 1200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1200। छात्रों की संख्या कितनी होगी, 1200, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, अब एक बार टाइम भले लग रहा है समझाने में, आपको खुद पता होगा, जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इसको आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे उतार दिया है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, देखते क्या चेंज हुआ है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, 43% छात्र क्या हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, वहां पर उत्तीर्ण थे यहाँ पर अनुत्तीर्ण थे, तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, पिछली तरह कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए हमने बना दिया, दो गोले बना दिए, दो वृत्त बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा फेल लिखिए, फेल कितने हैं, ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपका इंग्लिश है, ये आपका क्या हिंदी है, ठीक है। अब फेल है कितने परसेंट, 47% बच्चे फेल है, तो जो हम टेबल के अंदर लिखेंगे दोस्तों पास वाली वैल्यू लिखेंगे, टेबल के अंदर जो यहाँ पर वृत्त के अंदर लिखेंगे पास वैल्यू लिखेंगे। फेल कितने हैं, 47 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में क्या हो गए, फेल हो गए 47, तो बच्चे कितने, 100 में 47 माइनस करोगे तो बचेंगे 53, 53% बच्चे इंग्लिश में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो 53% क्या है, ये पूरा गोला है, इसको छुपा दो, ये आपका क्या है, इसको छुपा दो, ठीक है। तो ये 53% दोस्तों ये पूरा है, 53% क्या ये पूरा है, ठीक है, याद रखिएगा 53%, इसको मिला देते हैं, ठीक है, 53% ये है। इसी प्रकार कह रहे हिंदी में 43% बच्चे क्या हुए, फेल हो गए हैं, तो पास कितने होंगे, तो यहाँ पर जो अंदर वैल्यू लिखेंगे पास के लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 57% लिखेंगे। कैसे आया, 100 में 43 माइनस करा, 100 में 43 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 57% आएगा। 57 कितना है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, 57 कितना है, ये पूरा 57 है, ये जो गोला देख रहे हो पूरा 57 है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक। तथा 15% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 15% छात्र क्या, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, फेल नहीं कहा गया, पास कहा गया, तो सेम टू सेम वैल्यू लिखेंगे 15% यहाँ पर, ठीक है। ये कहानी है, कहानी समझ में आ गई है, ये कहानी समझ में आ गई है, ठीक है। अगर इंग्लिश की हम इंग्लिश की बात करें तो भैया कितने, 53% बात हुई है कि यहाँ पर पास हुए हैं, और हिंदी में बात करेंगे तो 57% पास हो गए हैं, दोनों विषयों के दोनों विषय मिलाकर बच्चा कितना परसेंट पास हुआ है, 15%। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, केवल इंग्लिश का निकालो, केवल इंग्लिश में बच्चे पास हुए हैं कितने, तो बोलोगे 53
तिरपन में से 15 घटा देंगे, तिरपन में से 15 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 में से 38% आएगा। अब 38% क्या है दोस्तों, देखिएगा ये 38% का ग्राफ देखो, सिर्फ इतना है, इतना ये आप जो अंदर देखो ये पूरा ये क्या है 38% है, कितना है 38%। इंग्लिश में कन्फर्म है कि 38% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा केवल हिंदी में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, टोटल 57 है, और माइनस 15 कर देंगे तो केवल हिंदी का आ जाएगा। 57 क्या है, हिंदी में पास होने वाले, केवल हिंदी और हिंदी में फर्क है, ठीक है, केवल हिंदी में कंफर्म है कि वो हिंदी में ही पास हुए हैं, ठीक है, ये बात है, ठीक है। यहाँ पर तो 57 15 माइनस कर दोगे, 7 में से 5 माइनस करोगे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 42%। अब 42% कौन सा दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हो ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो है अंदर वाला, ये आपका कितना 42% है, ठीक है। आप देखिएगा कुल छात्र जो पास हुए हैं कितना है, तो बोलोगे सर 38%, ये 38% बीच में कौन आ रहा 15%, ठीक है, फिर उसके बाद सबसे किनारे कौन आ रहा 42% आ रहा है, इसको हम ऐड कर देंगे। तो देखो भाई 38 में 2 जोड़ोगे 40, 40, 40, 80, 15, 95% क्या हुए हैं पास हो गए हैं, कितने 95% क्या हुए हैं पास हो गए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, ठीक है, फेल कितने हुए होंगे, तो बोलोगे 5% दोस्तों, क्योंकि 100 में से 95% तो पास हो गए, बच्चे कितना 5% बच्चे फेल हुए, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है 30 के, देखो लिखा हुआ है यदि अनुत्तीर्ण यदि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, हमारे अनुसार 5% है, क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है, तो 1% की वैल्यू कितनी जाएगी 5×30 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, केवल हिंदी में छात्रों की संख्या चाहिए, केवल हिंदी में छात्रों की संख्या कितनी है 42, तो 42% बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6 × 42, 6×12, 6×24, 1×25, 252 छात्र होंगे जो केवल हिंदी में पास हुए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आप इसका यहाँ पर राइट आंसर है। तो नोट कर लीजिए, दो सवाल हो गए हैं, दोनों हमने आपको बताया, अच्छे नोट के आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल हम लोग ने बोर्ड पे लिख दिए हैं, पढ़ते हैं। एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है, कोई एक छात्र है उसको पास होने के लिए कितने परसेंटेज, तो यहाँ पर लिखते हैं पास होने के लिए उस छात्र को कितने परसेंट अंक चाहिए, तो 45% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है, लेकिन उसने 206 अंक ही प्राप्त किए, ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए 206 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वो 19 अंकों से फेल हो गया है दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा जो 45% दिया हुआ है वो क्या है, पास होने वाली वैल्यू है, मतलब किसके परीक्षा में पेपर था और पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए थे, 45% चाहिए थे पास होने के लिए, मतलब पास होने वाली वैल्यू है 45%, ठीक है, और 206 अंक ही प्राप्त हुए। अब जो उस छात्र को 206 अंक प्राप्त हुए इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसके अनुसार फेल हो गया, ठीक है, कितने नंबर से फेल हो गया, 19 नंबर से फेल हो गया है, तो लेकिन फेल तो होने नहीं देना है, फेल होने देना ही नहीं है, अगर 19 नंबर से फेल हो गया इसका मतलब कि 19 नंबर आ जाते तो वो छात्र पास हो जाता, 19 नंबर भाई ले आओ इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है, 225 आ गए, अब क्या हो गया पास हो गया है, समझे भाई, एक नंबर कहते नहीं कि हमने पेपर दिया भाई एक नंबर से फेल हो गया, 4 नंबर से फेल हो गया, 10 नंबर से फेल हो गया, अगर वही 10 नंबर आपके पेपर में आपके रिपोर्ट कार्ड में आ जाते तो आप पास हो जाते भाई, पास हो जाते, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी हुआ है, 206 अंक प्राप्त थे, 19 अंकों से 19 नंबर से फेल हो गया, 19 नंबर इसमें हम ले आई तो ये पास हो जाएगा, क्या हो गया ये पास हो गया भाई, ठीक है। अब ए भी पास वैल्यू है, ए भी पास वैल्यू है, इसका मतलब कि बोल दें कि भाई 45% का बराबर हो जाएगा किसके 225 के, तो 1% बराबर हो जाएगा किसके 225/45, कितना आएगा 5 बार में चला जाएगा, 45×5 225 होता है,
एक पर्सन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के। हमें चाहिए कि उस परीक्षा में पूर्णांक क्या होंगे, हमेशा परसेंटेज में कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 100 बराबर कितना, 5 × 5 = 500। मतलब कितना नंबर का पेपर था, 500। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है आप इसमें कर लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन अगला मैंने आपको बोर्ड पर उतार दिया, एक बार पढ़ते हैं आप लोग भी पढ़िए। एक परीक्षा में 3 विषय हैं, भूगोल, इतिहास और संस्कृत, ठीक है आपका क्या है, भूगोल है दोस्तों, इतिहास है और आपका क्या है संस्कृत है, ठीक है दोस्तों। और आगे आप पढ़ोगे तो गणित भी आएगा, टोटल कितने विषय हैं, ठीक है आपके पास ये विषय लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर नंबर लिखेंगे, यहाँ पर कितने नंबर मिले हैं, इतनी बात समझे मेरी बात को, टोटल विषय ये कुल कितने नंबर के पेपर ये लिखेंगे और कितने, मतलब मान लो भूगोल एक पेपर, भूगोल का देने गए पेपर 100 नंबर का पेपर हुआ और कितने अंक मिले, मान लो मुझे 45 में 100 में से 45 नंबर मिले, तो 100 यहाँ लिखेंगे 45 यहाँ लिखेंगे, मतलब टोटल नंबर कितने हुए, कितने नंबर आए, अब समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा भूगोल, इतिहास तथा संस्कृत जिनके पूर्णांक क्रमशः 120 हो जाएगा ये, ठीक है 140 और ये 100 है, ठीक है। एक छात्र ने क्रमशः मतलब कि भूगोल, इतिहास, संस्कृत 40%, 55% और 45% अंक अर्जित किए, ठीक है। कोई छात्र है भूगोल का निकालने, ज्योग्राफी का निकालने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिएगा 120 का 40%, ठीक है आपको पता है यहाँ पे निकालना, मल्टीपल लगाओ 40% का साइन डालोगे 2 जीरो नीचे, मतलब 100 पड़ जाएगा, ये सही कर दो, ये सही कर दो, तो 12 × 4 = 48, मतलब कितने नंबर, 120 का पेपर था 48 नंबर आए हैं, इसका मतलब ये हुआ 120 का 40% मतलब हुआ कि 120 का पेपर था नंबर कितने आए हैं 48। इसी प्रकार 55% किसका, इतिहास का, इतिहास कितना है 140 मल्टीप्लाई 55 अपॉन 100, ये सही कर दो, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 5 आएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 11 × 7 = 77 आ जाएगा, ठीक है 77, मतलब इतिहास में 140 में से 77 नंबर मिले हैं, ठीक है उस छात्र को, इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब 45% किसका, संस्कृत का, तो 100 का 45% कितना होता है, 45 ही होता है दोस्तों, ठीक है अंक। अब देखिए 180 अंक के गणित पत्र में, मतलब गणित का पेपर कितने नंबर का था, कितने नंबर का बता सकते हो, 180 नंबर का था, ठीक है बोल रहा है कितना अंक अर्जित किए हैं, यहाँ पर भैया नहीं दिया गया है, यही अंक बताना है, 180 में से कितने अंक प्राप्त किए होंगे कि ताकि कुल अंक का 60% प्राप्त हो, ठीक है अब समझिएगा, अब समझो भाई, ठीक है इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है इतनी कहानी निकालना क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, 180 में से कितने नंबर आएंगे गणित में। अब देखिएगा 4 सब्जेक्ट है, टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ होगा, 0 0 0 आएगा, यहाँ पे 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, हाँ से लगा 1 1 2 3 4 1 5, टोटल कितने नंबर हुए 4 540, ठीक है 540। अच्छा इनके टोटल कितने नंबर हुए होंगे जोड़ो इनको, ठीक है 5 और 7 = 12, 12 और 8 = 20, ठीक है 2 कैरी, ठीक है 4 और 2 कैरी था 6 11, 6 और 7 कितना जाएगा 13, 13 × 7 = 13, 4 = 17, ठीक है टोटल कितने आ गए 170 नंबर आ गए हैं, ठीक है इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिएगा यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात कोई नई बात नहीं है, आपको समझ में जरूर आ गई होगी ये हम उम्मीद करते हैं। अब देखिएगा इसको हम मान लेते हैं, कि गणित में 180 में से x नंबर मिले होंगे, x नंबर, ठीक है अब बोल रहा है उसे कुल अंक का, कुल अंक का मतलब कुल अंक कितने हैं 540 का मतलब
मल्टीपल 60% अंक प्राप्त किए होंगे। तो यहाँ पर कुल टोटल अंक यहाँ पर कितना है, 540 है, तो यहाँ पर कितना होगा, जोड़ा 170, तीनों को जोड़ा है, प्लस का एक्स भी होगा, यही एक्स निकालना है। इसको सॉल्व कर लो तो 540 गुणे 60 बटे 100 बराबर 170 प्लस का एक्स है, ठीक है। इधर का टोटल अंक लिख दिए हैं, इधर का लिख दिए हैं, बस इधर परिवर्तन करना है 60% किसका कह रहा है, कुल अंक का, जो कुल टोटल पेपर में अंक हुए हैं उसका 60% करना है। तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, 6 चौके 24 हासिल लगा 2 6 5 30 और 2 32, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस का 170 बराबर एक्स, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ भाई, 4 आएगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में 4 आएगा। तो 12 में से 7 के कितना आएगा, 5 आएगा, और 2 में से 1 के कितना आ जाएगा, 154। मतलब गणित में 180 में से कितने नंबर मिले होंगे, तो वो लोग 154 मिले होंगे, ठीक है, 154 आंसर आएगा। कौन सा होगा, ये बी वाला सही होगा दोस्तों। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे, 4-5 जो क्वेश्चन कराएं दोस्तों, अच्छे से वीडियो देखिएगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको पूरा देखिएगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों इस चैनल को, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।